उत्तराखंड में इन दिनों UKSSSC भर्ती घोटाला और नियुक्ति को लेकर मामला जोर पकड़ता नजर आ रहा है। UKSSSC मामले को लेकर विधानसभा और वन दरोगा भर्ती घोटाले के विरोध में युवाओं ने पौड़ी के कलेक्ट्रेट के सामने विरोध जाहिर किया। वहीं युवा छात्र प्रतीक बिष्ट और मोहित सिंह ने बताया कि युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि UKSSSC भर्ती घोटाले समेत विधानसभा भर्ती घोटाला सभी के सामने आ चुका है, अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से CBI जांच की मांग की ताकि जो भी इसके आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। युवाओं का कहना है कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो युवा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। पूर्व में हुई थी BPW है या बनारक्षी, जो भी भर्तियां हुई हैं उनको लेकर एक बड़ी धांधली सामने आई है और हकम जैसे नेता जो जिन्होंने पैसे देकर नौकरी लगाया है और अभी हाल ही में चाहे विधानसभा का मामला हो चाहे RAG का मामला हो, उन्होंने उनको युवा मतलब उनके रिश्ते संबंधी उनको एक पत्र लिख के दे रहे हैं कि उनको नौकरी लगा दिया जाए। और हमारा जो युवा है वो दिन रात मेहनत कर रहा है, कोचिंग सेंटर में जा रहा है और लाखों फीस भर रहा है लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग पा रहा है। देख रहे होंगे पिछले एक महीने से कई सारी भर्तियों में धांधली आ रही है, कई सारी भर्तियों में पेपर लीक हुआ है और पैसों में देके पेपर बेचा गया है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि CBI की जांच हो जिससे कि ना सिर्फ हकम सिंह पकड़ा जाए पर हकम सिंह के जो गुरु बैठे हैं ऊपर वो लोग भी पकड़े जाएं ताकि भविष्य में कोई भी हकम सिंह या कोई भी दूसरा मंत्री एक बार घोटाला करने से पहले 10 बार सोचे कि हाँ मैं इस स्तर तक पकड़ा जा सकता हूँ।